हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं पूजा गजलाकर कह रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हम पेपर वन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 1999। पेपर टू एंड बोथ लेना चाहते हैं तो आपको मिल रहा है आपका 2999। और इसके अलावा ये कुछ क्लासेस का टाइमिंग है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को आपको 8 PM पर क्लास जो है वो अटेंड करनी है, और आपका 6 PM पर होगी फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, लेकिन ये जो यूट्यूब वाली क्लासेस हैं, ये हो सकता है कि हम अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ 1 डे हो यूट्यूब पर ले, और बाकी डेज जो है वो हमारा ऐप पर क्लास हो। ठीक, ऑडियो वीडियो जल्दी से बता दो। फर्स्ट वीक के बाद जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ 1 डे हो। ठीक है, और मोहम्मद जी कैसे हो? ठीक है, और यदि आप हमसे कोर्स लेना चाह रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एनरोलमेंट कोई भी लेना चाहता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा कोड यूज करोगे तो हमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और वो था क्लियर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट सेशन में हम डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन एंड सेंटलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा प्रियम्बल रहेगा। और कुछ टाइम के बाद जो है, जैसे कि इस वीक शायद मैं क्लासेस लूँ, और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को भी। ठीक है, और जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी 25 अगस्त के बाद, ठीक है, तो वहां अब फिर मैं आपकी दो दो क्लासेस में जो है वो अपना कंप्लीट कर दूंगी, जो भी मेरा पोर्शन बचता है, जो भी मैं डेज जो है वो स्किप करूंगी। ठीक है, तो उसको मैं बाद में कवर कर लूंगी। ठीक है, ओके। और जो कोई रिकॉर्डेड भी देख रहा है उनको भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा टाइम के लिए जो है वो क्लासेस बाद में नहीं ले पाऊंगी। आपका 19 to 25 तो बिल्कुल ही ले पाऊंगी, और इससे पहले भी हो सकता है कि मैं 13 या 14 से जो है वो क्लासेस जो है वो अपना ऑफ कर दूं। तो थोड़ा सा आप भी बहुत अच्छे से समझेंगे मुझे, और फिर मैं आपकी जो भी 8 डेज बचेंगे ना, ठीक है, तो उसको मैं अपना बाद में कवर करूँ। ठीक है, हाँ, एक दिन में दो दो क्लासेस लेके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे जो भी बचेगा। ठीक है, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू आप सभी बच्चों का। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं वेट कर रही हूँ कि कोई और, जिसने भी क्लास अटेंड करनी है तो वो आ जाए, लेकिन कोई आ नहीं रहा। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और मोहम्मद जी आप कहाँ से हो? मैं सोच रही थी कि जितने भी 3 एंड 5 स्टूडेंट्स जो डेली लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं महाराष्ट्र, ओके, तो वहाँ लॉ जो है वो अपना इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी में? क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं कहीं लैंग्वेज का बहुत वेरियंट रहता है, क्योंकि लास्ट में भी मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी थी इसकी लैंग्वेज में बहुत। हाँ, इंग्लिश तो बढ़िया, तो आपको नोट्स में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक हिंदी में इसलिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हिंदी की जो यहाँ पर ट्रांसलेशन करी हुई है वो गूगल ट्रांसलेटर से करी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस हो जाता है एक्चुअल लीगल हिंदी में और इस वाली हिंदी में, तो वहां पर थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 4 मिनट्स हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट करता है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी। ठीक है, और ये बताता है कि स्रोत आपके सोर्स क्या क्या हैं इसकी अथॉरिटीज के। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा प्रियम्बल, पहले हमने प्रियम्बल सोचा नहीं था कि हमने प्रियम्बल बनाना, हमने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, कि हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के। ठीक है, तो वो हमने एक प्रिपेयर किया था। ठीक है, और उसको बाद में जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो उसको हमने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का था
उसको हमने एज अ प्रियम्बल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कम इनटू फोर्स में आया था आपका 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और जिसको कि हम 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के नाम से जो है वो जानते हैं, और हर एवरी ईयर जो है वो हमें इस डे पर हॉलीडे होता है, हम छुट्टी मनाते हैं। ठीक है, और बोला है कि इट वॉज अमेंडेड ड्यूरिंग, और ये अमेंड हुआ था ड्यूरिंग द इंडियन एमरजेंसी बाय द इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, और कब अमेंड हुआ था, जब हमारे यहाँ 42nd अमेंडमेंट आई थी, और 42nd अमेंडमेंट के दौरान इसमें कुछ एक वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे, जैसे कि आपका सोशलिस्ट हो गया। सोशलिस्ट का यदि हम मीनिंग ले तो वैसे तो मैं आगे बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को यहाँ से उठाऊंगी और अच्छे से जो है वो आपको बताऊंगी, लेकिन सोशलिस्ट का मतलब होता है हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले भी यदि रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो रिलेट करके समझेंगे कि समाजवादी, और सेकुलर होता है आपका धर्म निरपेक्ष, मीन कि हमारे स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं। ठीक है, हमारे इंडिया में आपके सर्व धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, सर्व धर्म संपन्न देश हमें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है वो अमेंड हुआ था आपके 42nd अमेंडमेंट के दौरान, इंदिरा गांधी जी का टाइम था वहां पर उस टाइम। ठीक है, और यहाँ पर दो वर्ड यहाँ पर ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, और इस तरह से हमारा प्रियम्बल जो है वो आपका स्टार्ट होता है, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई परेशानी आएगी तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो हमारा प्रियम्बल है हमारा स्टार्ट होता है किस तरह, हाँ, धर्म सर्व धर्म संभव जी। तो हमारा प्रियम्बल जो है वो अपना स्टार्ट होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम कौन है, भारत के लोग। ठीक है, हम कौन है, भारत के लोग। ठीक है, हैविंग सॉलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, कि हम भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु हमने अपने हम लोगों ने बनाया। ठीक है, याद रखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने बनाया है, हम भारत के लोगों ने भारत को क्या बनाया है, संप्रभु सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड ये देश बनाया है साथ ही साथ, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए एक क्या लिया है, एक संकल्प लिया। ठीक है, और किस किस तरह से हम सिक्योर करेंगे, तो आपका दिया है जस्टिस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिलवाना है, न्याय दिलवाना है, और जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि हमें न्याय दिलवाना है कैसा, सामाजिक आपका इकोनॉमिक एंड आपका पॉलिटिकल। ठीक है, सेकेंड बोला कि लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, कि लिबर्टी मीन कि आपका छूट। ठीक है, किसकी, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार अपनी अभिव्यक्ति की। ठीक है, एक्सप्रेस करने की अपने आप को, बिलीव फेथ और वर्शिप। फिर बोला कि हमारे जितने भी सिटीजन होंगे उनमें क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। किस चीज में इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा, कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये लोग जो है वो ज्यादा रिच हैं, ये लोग पुअर हैं, तो हम इस तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इक्वालिटी लेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक सिटीजन को। ठीक है, एंड टू प्रमोट किया जाएगा अमंग देम ऑल, हर किसी को हम क्या करेंगे, समान अवसर देंगे अपनी आजीविका कमाने का, अपना जो भी उनको अपॉर्चुनिटी है, चाहे जॉब के सेक्टर में किसी भी तरह की, वो हम देंगे, इक्वालिटी देंगे। ठीक है, फिर बोला कि क्या होगा आपका, फर्टिलिटी मीन भाईचारा हो गया। अब हमने बोला बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, हम ही क्या कर रहे हैं, भारत को क्या बना रहे हैं, अपना सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे हैं, और सिक्योर कर रहे हैं हर एक सिटीजन को, कि हर एक सिटीजन को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, आपकी इक्वालिटी मिलेगी, फर्टिनिटी मिलेगी। ठीक है, और फर्टिनिटी का मतलब है कि आपका भाईचारा, हमें क्या करना है, भाईचारा जो है वो अपना बनाना है, मतलब सभी लोगों में क्या हो, भाईचारे की भावना हो। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बोला है जहां पर हर व्यक्ति जो है वो अपनी गरिमा और
राष्ट्र की एकता, मतलब इंडिविजुअल एंड यूनिटी, यूनिटी वर्ड ठीक है, यूनिटी मीन एकता, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब कि आपका अखंडता का आश्वासन देने के लिए बंधुत्व, मतलब भाईचारा, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जस्टिस लिबर्टी। देखो कि ये जो हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं ना, मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप यदि जरूरी नहीं है यूजीसी नेट के लिए तो आप साथ ही साथ प्रिपेयर कर ही रहे हो, इसके अलावा भी आपके जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो आप हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं ये बोलती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम, मैं भी अभी रिसेंट ही 2020 में मेरी लॉ ग्रेजुएशन हुई है, 2021 में मैंने मास्टर डिग्री करी थी और साथ ही साथ मैंने कोर्ट भी ज्वाइन करा था, तो ऐसा था नहीं, कुछ टाइम कोर्ट में रही और फिर जो है वो अपना यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की, ठीक है, और वो हो गया। उसके बाद जो है वो अपना थोड़ा सा ऑनलाइन में आ गई, और मैंने कभी इस स्टेट जुडिशरी या किसी के लिए भी अभी एग्जाम दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम दिया, ठीक है। और उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं एक मैंने मतलब जब मेरा एग्जाम था ना उससे पहले तक जो है वो मैं एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के नहीं गई थी, लेकिन आप जब यहाँ पर इन जैसे थोड़े बहुत कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे ना कहीं देखो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे जुडिशरी एग्जाम में आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में आता है, हमारे हिमाचल में नहीं आता, ठीक है, लेकिन और इसके अलावा आईपीसी जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी हम छोटे या आपके मेजर या माइनर लॉ जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं, हाँ ये सीपीसी और सीआरपीसी एविडेंस नहीं है यहाँ पर इस सिलेबस में, और वो थोड़ा सा हमें अच्छा पॉइंट है कि वो नहीं है, अदरवाइज तो देखो कि हर कोई लॉ जो है यहाँ उन्होंने डाल दिया है जिसे ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी जब कंसेप्ट क्लैरिटी होती है ना तो कहीं ना कहीं आपके अदर एग्जाम जो है वो अपने आप ही जो है वो क्लियर होने लगता है, ठीक है। और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अभी सिर्फ 20 डेज हैं, लेकिन मैंने मेंस के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने तो प्री के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया था, तो बस ये है। बट ये है कि अब मैं सोच रही हूँ कि 20 डेज जो भी हैं वहां पर मैंने थोड़ी सी मेहनत लगा लूँ, इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ, भले ये नहीं है कि हर किसी को जो है वो अपना किसी ने जो है वो हो सकता है साइड बाय साइड प्लान बना के रखा हो कि यदि हम यूजीसी नेट भी कर लेंगे और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा, तो ये सब जो यहाँ पर जो लॉ दिए गए हैं वो वहां भी आपको यूज होंगे, यदि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, इतना भी मैं गारंटी देती हूँ। और प्रियम्बल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। और कौन आया मोहम्मद जी के अलावा क्लास में, जल्दी से बता दो, ठीक है, समझ आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, बी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इंडिया को, सॉवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है, हम सभी आपके जितने भी सिटीजन हैं उनको जस्टिस दिलवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे, लिबर्टी दिलवाएंगे, आपका इक्वलिटी दिलवाएंगे, फर्टर्निटी भाईचारे की भावना जो है वो बनाए रखेंगे, ताकि सभी लोग देश के जो है वो आपका मिलजुल कर रहे, ठीक है। और हमारा इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है, तो उन्होंने अपना 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, और उस दिन हमने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट एंड हम लोगों के लिए, ठीक है, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने अपने लिए ही क्या किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने बनाया है, हमारे लिए ही बनाया है, ठीक है, हम सिटीजन के लिए ही बनाया, और लास्ट में बोल दिया है कि हमने इसको इस डे पर अपना अडॉप्ट किया है, एनेक्ट किया है, और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अपने लिए ही हमने क्या किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है। जल्दी से बता दो, समझ आ रहा है, इतना समझ आ गया, दोबारा से रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, मोहम्मद जी क्या हुआ, समझ आ गया, फिर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, तो हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऐसा कोई था नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माइंड के में कि
हमने प्रियम्बल बनाना है सबसे पहले। लेकिन उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले उन्होंने, जैसे हम करते हैं ना कि कुछ भी यदि हमें किसी भी चीज़ के लिए जो है वो अपना प्रिपेयर करना होता है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, ये हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया था, एक हमारी कॉन्स्टेंट असेंबली है, ठीक है, और अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, ये देखा अमेंडमेंट जो हुई थी प्रियम्बल में, आपकी 42nd अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी का टाइम था, वहां पर सेकुलर और आपका सोशलिस्ट दो वर्ड जो है वो आपका ऐड किए गए थे। इसके बारे में हम आगे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन थी, यदि आप लेट आए हैं तो जो है वो आप थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिएगा। वैसे हमने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, सब यही किया था कि आपका 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो है वो इसे अडॉप्ट किया गया था, जिसको कि हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं, और अमेंडमेंट हुई थी आपकी 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। और जब इमरजेंसी बोले इंडिया में इमरजेंसी लगी थी बाय द इंदिरा गांधी, ठीक है, और वहां पर आपका सेकुलर, आपका सोशलिस्ट और सेकुलर दो वर्ड जो है वो अपना ऐड किए गए थे। फिर आपने यहाँ पर तो आप आ गए थे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, सबसे पहले हमने क्या किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था, ठीक है, विच वॉज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और बोला है जिसे जो है वो अपना, हाँ जी 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 1976 को, ठीक है। तो हमारा बोला है जी बोला है जिसे, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था उसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, ठीक है, उसको, ठीक है, 46 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने एक सोचा था कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, भारत का एक संविधान बनाएंगे। और फिर बोला है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है, और कम इनटू फोर्स में आया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन डेट्स को, 26 जनवरी 1950, ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिन्हें कि आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड अबाउट द प्रियम्बल, ठीक है, उन्होंने ये चीज कही थी कि आपका प्रियम्बल है क्या, तो जो आपकी क्या करता है, जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में पहचानता है, कि प्रियम्बल क्या है जो कि हमें क्या देता है, लिबर्टी इक्वालिटी फॉर्टेनिटी देता है, और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जिसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते किसी भी चीज से। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए, तो हमें दोनों चीजें चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता भी चाहिए और समानता भी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा किसी भी समानता और स्वतंत्रता को भी अलग जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। यहाँ भी यही स्टेटमेंट दी है कि नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स्ड फ्रॉम फर्टिनिटी, की लिबर्टी को आपका इक्वालिटी से अलग नहीं किया जा सकता, विदाउट इक्वालिटी आपका लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। फिर है आपका कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल, कंपोनेंट क्या क्या है प्रियम्बल के, बोले इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रियम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सबसे पहले क्या है आपका प्रियम्बल एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लाई होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हमारा प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है, एक ऐसा संकेत, प्रियम्बल से हमें एक ऐसा संकेत मिलता है जो कि आपका संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है, जो कि आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो कि भारत के लोगों के पास, ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे लिए है, और प्रियम्बल जो आपका डिक्लेयर करता है कि इंडिया क्या है, आपका सोवरन है, ठीक है, सोशलिस्ट है, आपका सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी समझ लीजिएगा कि आपका संविधान क्या है, संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव स्टेट बाय द प्रियम्बल आर, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है जो कि हमने अभी डिस्कस किए कि ये ऑब्जेक्टिव है, जो हमने बोला था ना कि जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फॉर्टर्निटी होगी,
तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल के, सिक्योर करना किसको, जस्टिस को, और लिबर्टी होगी, इक्वलिटी होगी टू ऑल सिटीजन, और प्रमोट करेंगे हम किसको, फर्टिनिटी को, ताकि मेंटेन किया जा सके क्या, एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। द डेट इज मेंशन इन द प्रियम्बल, ठीक है, जो आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अब आई होप आपको और ज्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी होगी, ठीक है। तो अब हम इन वर्ड्स को जानेंगे, थोड़ा सा प्रियम्बल आपको बहुत डिटेल में मैं यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रियम्बल को जानना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो आप स्टूडेंट्स काफी ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए की वर्ड्स क्या है इन द प्रियम्बल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हम क्या है, भारत के लोग, ठीक है, कि सबसे पहले प्रियम्बल में क्या ऐड किया गया है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसको इंडिकेट करता है, अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को जो है वो आपका इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। सोवरेनिटी, द वर्ड सोवरेनिटी को देखो कि सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम क्या है, एक संप्रभु है, हम पर किसी अदर किसी का कंट्रोल थोड़ी ना, पहले थे हम किसी के कंट्रोल में, हम पहले, हम पर कितने साल अंग्रेजों ने जो है अपना राज किया, तब हम सोवरेन नहीं थे, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम जो है वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थे, लेकिन आज हम क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आपका सोवरेनिटी मीन क्या होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जब आपके स्टेट पर, जब हमारे इंडिया पर किसी अदर कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, हम जो है वो अपने फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर है या आपका इंटरनल, चाहे आपके देश के अंदर का मैटर है या आपके फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, ठीक है। जब हम बात करें सोवरेन की, सोवरेन बोला है, द टर्म मीन्स, ठीक है, वैसे तो सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का आपको समझ आ गया ना, मीन्स की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं आपका सोवरेन, द टर्म मीन्स इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। सोवरेन का क्या मतलब होता है कि सोवरेन स्टेट, बोला है ना इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, सोवरेन स्टेट का क्या मतलब है, मीन इंडिया, इंडिया क्या है आपकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिया के पास क्या है, मीन इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो कि किसी की भी डोमिनियन नहीं है, मतलब किसी बाहरी, किसी भी अदर देश का कोई भी प्रभुत्व यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम क्या है, फ्री है, हमारी कंट्री फ्री है ना, कि हम लोग खुद से अपना लॉ बनाते हैं, किसी अदर कंट्री का हम पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है सोवरेन का ये मतलब, सोवरेनिटी और सोवरेन ये है कि सोवरेनिटी, ये बोला है कि इंडिया में क्या है, सोवरेन अथॉरिटी है, और हमारा इंडिया क्या है आपका सोवरेन स्टेट है, जिस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है। और इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज अ पावर टू मेक लॉ, यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या है, लेजिस्लेचर को, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या करती है, लॉ को बनाती है, ठीक है, विच आर सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन, कुछ एक लिमिटेशन के साथ, ठीक है। और जब बात करें सोशलिस्ट वर्ड का, तो हमारा द टर्म मीन अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है, कि समाजवादी का क्या अर्थ है, कि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवादी की उपलब्धि, ठीक है। मीन इट होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब सोशल समाजवाद, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को जो है वो दोनों को कोरिलेट लेके चलते हो, ठीक है, दोनों की ही डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हो। ऐसा तो नहीं होता कि जो आपके पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सेक्टर में जो लोग हैं उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट दिया है, कहीं ना कहीं तो हमारी स्टेट, हाँ ये बात अलग है कि एक्चुअली में क्या पोजीशन है वो तो अलग बातें होती हैं, लेकिन आपका बोला है कि सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ वेयर बोथ प्राइवेट और आपका पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं आपके साइड बाई साइड। और इसको एड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट, देखो यहाँ पर आपको बार बार वर्ड्स आ रहे हैं ना, इसको ऐड किया गया था सोशलिस्ट को 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। अब बात करते हैं सेकुलर, द टर्म मीन सेकुलर का क्या मतलब होता है, कि
हमारे इंडिया का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है, हमारा इंडिया इंडिया एक ऐसा स्टेट है। जब हम बात करते हैं ना स्टेट, देखो अपनी कंट्री की में जब हम बात करते हैं तो हम इंडिया को कहते हैं यूनियन, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट। लेकिन जब हम बाहर की कंट्री के साथ कोई कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्टेट। इंडिया क्या है, स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, सोवरन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, ऐसे बोल। तो बोला कि सेकुलर, द वर्ड द टर्म मीन सेकुलर टर्म का मतलब क्या होता है, मीन्स कि हमारे इंडिया में सभी रिलीजन को क्या दी जाती है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है और सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और हर किसी स्टेट को जो है वो, मतलब हर किसी स्टेट में जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। देखो स्टेट में ही नहीं बल्कि अलग अलग, देखो कि हमारी कंट्री में कितने ही स्टेट्स, ठीक है, और कितने ही लोग जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, कितने ही स्टेट में, मतलब कितने ही लोग जो हैं उनका अलग अलग रिलीजन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में कहा है कि आप क्या करो कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको एक बंधुत्व की तरह भाईचारे की भावना लेकर रहना है, कहते हैं ना आपस में है भाई भाई, ठीक है, तो वैसा जो है वो होना चाहिए। फिर आपका इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था आपका प्रियम्बल, 42nd कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट जो कि आपकी हुई थी आपका 1976 में, ठीक है, और वही वर्ड्स जो आपके ध्यान में आ रहे हैं बार बार जो है वो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है कि हर किसी पर्सन को अथॉरिटी दी गई। डेमोक्रेटिक का होता है लोकतांत्रिक देश। हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हर किसी पर्सन को बोला गया है कि आप 18+ हो गए हो तो अपना वोट जाके डालो और अपना जो है वो अपना कैंडिडेट जो है वो चुनो, ठीक है, हर किसी को अथॉरिटी दी गई है कि अपनी इच्छा से किसी भी पीपल को वो कैंडिडेट चुन सकते हैं इन एन इलेक्शन में, ठीक है। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, द टर्म इंडिकेट दैट हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। यहाँ पर बोले रिपब्लिक का, तांत्रिक का क्या मतलब होता है, ठीक है, गणतंत्र का। तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि ये बोला कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा ना वो आपका, वो ऐसा ऐसा हेरिडिटरी रूल नहीं है यहाँ पर, मतलब ये भी है कि आपका कि एक पर्सन जिसको आज हमने प्रेसिडेंट चूज कर लिया तो नेक्स्ट उसकी फैमिली से जो आपका प्रेसिडेंट चुन के आएगा। तो बोला है जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, ठीक है, वो इलेक्ट होगा बाय द पीपल, हम सभी लोग क्या करेंगे उसको इलेक्ट करेंगे, हम इसको चाहेंगे कि वो बने तो वो बनेगा, अदरवाइज जो है उसको हम इलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा इंडिया क्या है, जैसे कि हमारे इंडिया में, इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जिसको हम इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब समझ आ गया इतना, ठीक है, समझ आ रहा है ना, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। फिर बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है कि सुप्रीम लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है। वैसे एक जनरल डेफिनेशन लेके चलो तो आपको इंडिया क्या है, आपका इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इंडिया इज अ सॉरी सॉरी यदि मैंने गलत बोल दिया हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ तो, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी अपनी लीगल सैंक्टिटी है, ठीक है, और जो कि क्या करता है, पावर देता है, अथॉरिटी देता है, जिसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो है वो कहते हैं, ठीक है, ये सभी लॉ में सबसे ज्यादा सुप्रीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में इंटीग्रिटी इन सोसाइटी, ठीक है, एंड प्रमोट करता है यूनिटी अमंगेस्ट अमंग द सिटीजन टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन, ठीक है, कि प्रमोट करता है, ठीक है, एंड प्रमोट यूनिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या करता है, प्रमोट करता है कि हम एकता की भावना बनाए रखें अमंग द सिटीजन, कि सभी लोग जो है मिलजुल के रहें। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना हार्मनी थॉट थ्रू आउट द नेशन, ठीक है, कि बोले पूरे देश में सद्भावना को जो है वो अपना बढ़ावा देना। द फैक्टर विच हेल्प, बोला है ऐसे फैक्टर जो कि हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जस्टिस हो गया, बोला ये नेसेसरी है यदि हम मेंटेन करना चाहते हैं ऑर्डर, ठीक है, इन सोसाइटी में, तो दैट इज अ प्रॉमिस थ्रू
वेरियस प्रोविजन, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर जस्टिस में जो है वो आपका कंप्राइज किया गया है थ्री एलिमेंट को। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कि जस्टिस कैसा होना चाहिए आपका? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। फिर बोला है कि आपका सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है? कि सोशल जस्टिस, हर एक वर्ड, एक एक वर्ड को यहाँ मैंने डिस्कस कर दिया है, जो भी वर्ड जो है आपको देखने को मिले हैं प्रियम्बल में, ठीक है, वो हाँ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस का मीन होता है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्ट टू क्रिएट अ सोसाइटी, ठीक है। कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? कि संविधान जाति पद लिंग धर्म आदि जैसे किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना एक समाज बनाना चाहते। सोशल जस्टिस मीन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है? वॉन्ट क्रिएट करना चाहता है ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो किस ग्राउंड पर, एनी ग्राउंड लाइक कास्ट, क्रीड, ठीक है, आपका जेंडर, रिलीजन, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आता है? कि हर किसी को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस मीन नो डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। कैन बी कॉज्ड बाय द पीपल ऑन द बेसिस पर, किस बेस पर? हेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर जो किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करेंगे। एवरी पर्सन मस्ट बी, हर किसी पर्सन को इक्वल पेड किया जाएगा, इक्वल जो है वो पे किया जाएगा, इक्वल पोजीशन पर वो काम कर रहा है। और हर किसी पर्सन को हम क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी देंगे टू अर्न फ्रॉम हिज लिविंग, ठीक है। और आपका पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल जस्टिस मीन ऑल पीपल जो है वो क्या है? इक्वल है, हर किसी को जो है। पॉलिटिकल जस्टिस से क्या रिलेट करो? कि राइट टू वोट, ठीक है, पॉलिटिकल की जब हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर बोला है कि आपका पॉलिटिकल जस्टिस मीन ऑल द पीपल क्या है? हैव एन इक्वल है, फ्री है, फेयर राइट है उनको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। किसी भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्वल, ठीक है। जैसे कि अपना यदि वो अपना वोट कास्ट करना चाहे तब भी वो फ्री है, और यदि वो खुद इलेक्शन में जो है वो इलेक्ट होना चाहे और कैंडिडेट के रूप में जो है वो करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। इक्वलिटी बोला है, द टर्म इक्वलिटी मीन होता है कि नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी और एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी किसी भी सोसाइटी में कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी। हर एक पीपल को हर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और फॉर एवरीथिंग विदाउट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और हर कोई पर्सन क्या होगा? इक्वल होगा बिफोर द लॉ। जब हम बात करें लिबर्टी की, लिबर्टी मीन फ्रीडम फॉर द पीपल, कि हर किसी पर्सन को जो है वो फ्रीडम दी गई है, हर कोई पर्सन जो है वो क्या है? फ्री है अपना जीवन जीने का तरीका चुनने, ठीक है। कि हर कोई पर्सन क्या है? वो फ्री है, फ्रीडम है हर किसी को। द पीपल चूज देयर द वे ऑफ लाइफ, कि वो क्या करना चाहता है? पीपल चूज करना चाहता है उसको किस ढंग से अपनी जिंदगी जीनी है। हैव पॉलिटिकल व्यू एंड बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है। और लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि उसे फ्रीडम है कुछ भी करने। नहीं, आप जानते हैं कि हमने कंसेप्ट देख लिए हैं अपना ज्यूरिसप्रूडेंस में भी कि राइट एंड ड्यूटीज हैं। जब जब आपको राइट दिए गए, जब जब ड्यूटी भी दी गई है, जब आपको लिबर्टी दी गई तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, ड्यूटी भी दी गई है, ठीक है। तो आपका लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम है उसको कि हाँ वो सब कुछ कर सकता। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग, एक पर्सन जो है वो कुछ भी कर सकता है, बट लिमिट्स जो है वो आपकी सेट की गई है लॉ के द्वारा, ठीक है। लास्ट है आपका फॉर्टर्निटी। फॉर्टर्निटी वर्ड का क्या मतलब है? एक फीलिंग है, कैसी भावना है, कैसी? ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना। एंड हाँ, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो बोला है कि आपका द टर्म फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? कैसी फीलिंग है, किसकी? ब्रदरहुड की। एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल पीपल, की इमोशनल अटैचमेंट है विद द कंट्री के साथ और ऑल पीपल के साथ। फॉर्टर्निटी जो है आपकी हेल्प करती है प्रमोट करने के लिए डिग्निटी, यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, ताकि भाईचारा जो है वो अपना स्थापित हो सके अपने कंट्रीज में, यूनिटी इंटीग्रिटी। वैसे तो आपने ऑब्जेक्टिव देख ही लिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जो आपको नोट्स लिए जाएंगे यहाँ से पढ़ लीजिएगा।
कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि प्रोवाइड करता है, कि वे ऑफ लाइफ हम किस तरीके से देना, ये इंक्लूड करता है फर्टर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी कैन नॉट डिवोर्स, लिबर्टी को हम अलग नहीं कर सकते इक्वलिटी से, ठीक है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वैसे जो जो इम्पोर्टेंट था हर एक कंसेप्ट को मैंने यहाँ डिस्कस करवा दिया। ललिता जी आपको भी समझ आ रहा है, कहीं भी कोई जो है वो डाउट तो नहीं है, कहीं है तो मेरे को बता, ठीक है। समझ आ रहा है तब भी जल्दी से बताओ, ठीक है। अब स्टेटस देख लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा केस डिस्कस करेंगे एक दो, ठीक है, अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से बता दो, समझ आ रहा है? एक मिनट रुको, यस मैम, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बोलना था मेरे को कि आप जो है वो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां आप ज्वाइन हैं, ठीक है, वहां आप ज्वाइन हैं, लॉ यूजीसी नेट वाला जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको, यदि आप ज्वाइन नहीं होंगे तो हो जाइएगा। वैसे अभी तो बहुत कुछ जो है वो हम वहाँ डिस्कस कर नहीं रहे, लेकिन इन फ्यूचर जैसे कि पोल वगैरह जनरेट करके क्वेश्चन आंसर्स हम वहां पर सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। कल जो है मैंने वहां पर केस की लिस्ट भी दी थी, तो यदि किस कुछ भी मटेरियल होगा तो फिर मैं वहां ना भेज सकती हूँ। अभी तो इतना मैं थोड़ा सा खुद ही बिजी हूँ, बट वैसे ही फ्री होती हूँ, ठीक है। देखो नोट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप क्या है, लॉ यूजीसी नेट, एक तो पेन नहीं चलता, यहाँ नोट करवा दीजिए। देखो लॉ यूजीसी नेट सेट, ठीक है, डैश फिलर फॉर्म, ठीक है। तो अभी तक 23 स्टूडेंट्स जो है वो अपना यहाँ जुड़े हैं, और यहाँ देख लीजिएगा आप ज्वाइन होना हो। यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट केस लॉज की एक आपको वहाँ पर लिस्ट बनाई थी, ठीक है। लगभग के लगभग 15 केस थे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको ज्वाइन किया है। ओके ओके, हाँ हाँ, तो जिन्होंने ज्वाइन किया है जिनको तो ठीक है, लेकिन जिनको ने नहीं किया है तो वो भी हो जाइएगा, ठीक है। तो फिर मतलब अभी तो जो है अभी थोड़ा टाइम हुआ है उसको बनाए हुए, इतना मैंने वहां पर कुछ किया नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जैसे कि अपना, क्योंकि अभी जो है आपकी एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो मैं सोच रही जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं वही जो है वो पोल के थ्रू जो है आपको एमसीक्यू करवाया करूंगी, ठीक है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। स्टेटस क्या है आपका प्रियम्बल का, द प्रियम्बल बींग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की आपका प्रियम्बल क्या है, एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इज डिस्कस सेवरल टाइम इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि अलग अलग केसेस में जो है आपका डिस्कस किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम इसको अंडरस्टूड करते हैं इन दो केसेस को डिस्कस करके, ठीक है। तो आपका फर्स्ट केस है वेरी वेरी केस, ठीक है, वेरी वेरी यूनियन केस जिसके नाम से जाना जाता है। तो इस इट वॉज यूज एज अ रेफरेंस, जिसको हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस, आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which was on implementation of the Indo-Pakistan agreement related to the Veroveri Union and in exchanging the enclaves which are decided by consideration by bench consisting of the 8 judges. और ये केस जो आपका 8 जजेस की बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था, तो यहाँ पर हुआ क्या था इस मामले में, जो हमारा आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 से रिलेटेड ये हमारा केस था, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि वेरुवेरी संघ के संबंधित भारत और पाकिस्तान के समझौते
के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए था, और जिसको 8 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था। हुआ क्या था कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था, और वो इंडो पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ इस तरह का लैंड का डिस्प्यूट हो गया था, आपका वेरवेरी यूनियन केस जिसको हम जानते हैं, और थ्रू द वेरवेरी केस, ठीक है। तो वहां पर बोला था कि आपका, यहाँ पर ये भी बोला गया था, थोड़ा सा लैंड से रिलेटेड था, फिर ये हुआ कि थोड़ा उसको रिलेट कर दिया गया प्रियम्बल के साथ, ठीक है। तो आपका प्रियम्बल क्या है, वहां पर बोला था कि इज अ की, जो जो चीजें हमने प्रियम्बल में देखी है ना, उसको हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, आगे एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। वही चीजें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसी को हम क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वही है। तो वहां पर इस केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज अ की टू ओपन माइंड ऑफ अ मेकर, बट इट कैन नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम पार्ट देखोगे, बहुत आपको हिस्ट्री तो पूछी जानी नहीं है इस केस में, बस आपको ये याद रखना है कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर, ठीक है। ये किस केस में बोला गया था, तो आपका बेरुबरी केस में बोला गया, और ये भी बोला गया था, बट इसको हम कंसीडर नहीं करते, वी कैन नॉट कंसीडर, इट कैन नॉट बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसको हम इन्फोर्सेबल नहीं करते कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और फिर है आपके पास नेक्स्ट केस है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। और इन दिस केस द फर्स्ट टाइम 13 जजेस की बेंच, देखो कि 13 जजेस की बेंच ने ये केस डिसाइड किया था। यहाँ पर क्या कर रही थी, पहली बार रिट याचिका पर सुनवाई के लिए ये जजेस जो है वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है, असेंबल हुए थे टू हियर अ रिट पिटीशन। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था, प्रियम्बल से रिलेटेड दोनों ही केस हैं, एक में क्या बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी हाँ, इसमें बोला था प्रियम्बल क्या है, आपकी की है ओपन माइंड ऑफ मेकर, और इसको नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। फिर बोल दिया इस केशवानंद भारती केस में कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ हम कंसीडर, कि अब हम कंसीडर करते हैं इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा केस जो है वो सारे ही क्या होते हैं, रिलेट करते होते हैं। और फिर बोला कि द प्रियम्बल इज नॉट अ सुप्रीम पावर ऑफ सोर्स ऑफ एनीथिंग रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन। बोला है कि प्रियम्बल क्या है, इज नॉट पावर, प्रियम्बल जो है आपका क्या करता है, पावर नहीं, बोला है क्या है, किसी भी प्रतिबंध या निषेध की सर्वोच्च शक्ति का स्रोत जो है आपका नहीं, लेकिन ये क्या करता है, कहीं ना कहीं लॉ की कहां पर कुछ एक प्रावधान है उनको व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं प्रियम्बल के इंटरप्रिटेशन की और स्टैट्यूट एंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे यूनियन ऑफ आपका वेरवेरी यूनियन केस में क्या बोला था, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यहाँ पर केशवानंद भारती केस में बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इतना याद रखना, ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने खुद के नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर बोला कि इन द 1995 द केस यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC इंडिया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन हेल्ड किया कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल क्या है, आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अब अमेंडमेंट देख लो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी अमेंडमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक ही अमेंडमेंट बताई गई है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अभी तक एक ही बार जो है अमेंड किया गया है, ठीक है। तो हमारा अमेंडमेंट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल की, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, जब हमारा केशवानंद भारती केस आया था, आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, ठीक है,
ठीक है, तो आपका क्या है, बोला है कि 42nd Amendment Act 1976 आया है, जहां पर हमारा केशवानंद भारती केस जो है वो डिस्कस हुआ था, उसकी जजमेंट आई थी, और यहाँ पर इसमें एक्सेप्ट किया गया था कि आपका केशवानंद भारती केस में ही तो हमने देखा ना कि इसमें बोला था कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आर्टिकल 368 का है, ठीक है, जहां पर ये बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये भी बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल है, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो प्रियम्बल में तो सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में ही आता है कि सब कुछ मेन में ही तो दिया गया है, ठीक है, फिर एज ऑफ नाउ प्रियम्बल इज ओनली अमेंड हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ 42nd Amendment Act 1976 में, वहां पर हमने क्या करे, ये तीन वर्ड जो है वो अपना ऐड करे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से पूछे जाते हैं, तो आपका सेकुलर और आपका सोशलिस्ट ही पूछे जाते हैं, इंटीग्रिटी को बहुत कम टाइम बोला पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है आपको द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था इन प्रियम्बल में थ्रू द 42nd Amendment Act 1976, और सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जो है आपके वर एडेड बिटवीन द सोवरेन एंड डेमोक्रेट, ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन के बदले में हमने चेंज किया था क्या आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू द आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है, अब यहां तक हमारा प्रियम्बल जो है वो डिस्कस हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रियम्बल जो है अपना डिस्कस हो गया, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है, तो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया है, ये बोला गया है कि आपका पार्ट फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट हमारा डिस्कस बोलता है कि आपका इंडिया क्या है, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, कि हमारा इंडिया क्या है आपका यूनियन ऑफ स्टेट, बोला है कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से 4 डील करता है किससे, यूनियन एज वेल एज टेरिटरी, कि यूनियन के साथ साथ और साथ ही साथ टेरिटरी, इंडिया को हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, इवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, आप जानते हैं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप कंपैरेटिव पब्लिक लॉ डिस्कस करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया जो है वो आपका ना ही तो आपका प्योरली फेडरल है और ना ही तो प्योरली यूनिटरी यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, ये इंडिया क्या है आपका क्वासी फेडरल स्टेट है, ठीक है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर, ना तो प्योरली आपकी फेडरल है ना ही प्योरली आपकी यूनिटरी, ठीक है, याद रखिएगा, बोला है कि भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया है, फेडरल इंस्ट्रक्चर दी गई है, लेकिन कुछ एक प्रोविजन जो है वो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट को भी दिखाते हैं, लेकिन जिसको एक अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है, हाँ क्वासी फेडरल, ठीक है, क्वासी फेडरल आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, अभी ये आपको जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, और अदरवाइज भी आपने कभी जैसे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के एमसीक्यू वगैरह भी डिस्कस करने हो तब भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपका यूनिटरी गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, आपका ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की हम बात नहीं करें, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, और जब हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा क्या है आपका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, आपका लेजिस्लेटिव है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव आता है, फिर आता है हमारे पास जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव जो है वो आपका लिया गया है लेजिस्लेटम से, लेजिस होता है लॉ एंड लेटम होता है मेकिंग लॉ को बनाना, टू मेक द लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूट क्या बोलता है, क्या काम करता है, सम फीचर आर इनकंसिस्टेंट विद द हाँ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो आपका एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, टू अप्लाई एंड टू एग्जीक्यूट द लॉ, ठीक है, टू एग्जीक्यूट द लॉ, एग्जीक्यूट द लॉ, और आपका जुडिशरी क्या है, टू इंटरप्रेट द लॉ, टू इंटरप्रेट, कि जो भी लॉ बनाया गया है लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है, आपकी जुडिशरी के पास है, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, तो सबसे पहले आता है हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है,
और जो है वो आपका एक कॉन्फिडरियल गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन हम उसको ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं और उसको पूछा भी नहीं जाता। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के सिलेबस में भी वो चीज नहीं है, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर सिर्फ ओनली वन नेशनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। मतलब ओनली नेशनल के पास ही, जो हमारी यूनियन है ना, उसी के पास पावर होती है, ठीक है। यूनियन के पास सारी की सारी पावर होगी, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पावर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बनाई है और उसी के पास ज्यादा पावर है। अदरवाइज स्टेट का यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, स्टेट्स को कोई पावर नहीं दी गई, सिर्फ एक क्या होगी हमारी सेंटर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी की सारी पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दी गई यूनिटरी में, ठीक है। जब हम बात करें फेडरल में, तो फेडरल में क्या होता है, आपकी पावर्स जो है वो आपकी दी गई डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है पावर्स की, ठीक है, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बोलते हैं, जैसे हमारे कैनेडा में बोलते हैं यूनियन को हम क्या कहते हैं, अपना फेडरल कहते हैं, ठीक है, और स्टेट को हम कहते हैं प्रोविंस, ठीक है। तो हमारे इंडिया में यूनियन एंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ एक पावर जो है आपकी यूनियन को दी जाती है, कुछ एक स्टेट को दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, आपका कोडिफाइड, कोडिफाई, ठीक है। कोडिफाइड क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लिखा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है कि क्या आपकी पावर होगी, प्रेसिडेंट की सारी की सारी पावर्स, प्रेसिडेंट की क्या, आपकी प्राइम मिनिस्टर की, स्टेट की, सेंटर की, ये सब पावर यहाँ पर फेडरल फेडरल गवर्नमेंट में तो आपको देखने को मिलती है। अब आप बोलेंगे कि जब हमारे इंडिया में ऐसा है कि सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट की आपको दिखता है कि हमारे में क्या है, स्टेट को अलग से पावर दी गई है, आपका सेंटर को अलग से दी गई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है आपका क्या है, कोडिफाइड, ठीक है। सारी की सारी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया है, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बताया है, वो भी एक फेडरल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, सुप्रीम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। तब आप बोलो कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि हमारा इंडिया जो है आपका क्वासी फेडरल स्टेट है। तो देखो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दी गई हैं कि हमारा कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पावर्स जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है आपका यूनियन एंड स्टेट के बीच में। आप देखो कुछ एक प्रोविजन यूनिटरी के दिखते हैं आपको, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है कि सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें जो है आपकी सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी वो की इंडिया की, तो इंडिया के हम क्या है, सिटीजन है, ठीक है, वी आर इंडियन, ठीक है। तो इंडियन ये क्या हो गया आपका, यूनिटरी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि हमारा देखो कि लिस्ट दी गई है, 7 शेड्यूल में दिया गया है आपकी 3 लिस्ट, आपकी कौन कौन सी लिस्ट दी गई है, आपकी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट में क्या बोला है कि स्टेट को पावर दी गई लॉ बनाने की, ठीक है। अब यूनियन बोला यूनियन को पावर दी गई है, कंकरेंट में बोला कि स्टेट एंड सेंटर दोनों को ही पावर दी गई है, और फिर भी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो सेंटर क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, सेंटर को क्या होगी, ज्यादा पावर होगी, सेंटर का लॉ जो है उसका ज्यादा एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सेंटर जो है उसका सुप्रीम बनाया गया है। साथ ही साथ बोला है, ये भी बोला है कि कभी ऐसा हो कि भले ही ऐसा है कि ऐसा दिया गया है कि आपका सेंटर और स्टेट लिस्ट दी गई है, सेंट्रल लिस्ट दी गई है, इसके अलावा भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, हमारी पार्लियामेंट चाहे, तो वो किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, जब हमारे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट को पावर दी गई, यहाँ पर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम बना दी गई है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि हम क्या करेंगे, आप किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना देंगे। देखो तो वहां क्या पावर दी गई है, क्या बताया गया स्टेट के लिए, जब हमारी सारी की सारी पावर्स जो है वो ज्यादातर पार्लियामेंट के पास ही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यूनिटरी का वो एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आप देखें कि हमारे जुडिशरी की सिस्टम बात करें तो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका, हाईएस्ट लॉ
की इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी है कि सुप्रीम लॉ क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी, ठीक है। तो ये भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन, देखो हाई कोर्ट में भी कितनी पावर दी गई, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट। यदि आप हमारे, जब हमने जुरिस्प्रूडेंस डिस्कस किया था, ललिता जी आपने जुरिस्प्रूडेंस की सेशंस नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा साय। देखो कि जब हमने जुरिस्प्रूडेंस को डिस्कस किया था तो हमने ये चीज देखी थी कि ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट में, हमने ये देखा ना प्रेसिडेंट में कि हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट होते क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन जो कि हमारे लिए प्रेसिडेंट है, उसको हम सब डिविजन कोर्ट सारे ही फॉलो करेंगे, और हाई कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के डिसीजन को दूसरा हाई कोर्ट जो है वो फॉलो करे ना करे उसकी इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद अपने डिसीजन को फॉलो करे ना करे वो भी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है। और यहाँ पर भी जब हमने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ही क्या होगा, सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा जुडिशरी के मामले में, तो यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं हमें यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है कि सिर्फ और सिर्फ आपका यूनियन ही, आपका सेंटर ही जो आपका सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में क्या है, ना तो केवल की ओनली फेडरल है, ना ही ओनली क्या है आपकी यूनिटरी, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया में क्या है आपकी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश्ड है या एप्लीकेबल, ठीक है, कि कुछ एक फीचर है आपके यूनिटरी गवर्नमेंट के, कुछ है आपके फेडरल गवर्नमेंट के, ठीक है। अब समझ आ गया, अब जल्दी से बताओ आप कि अब कितना समझ आ गया। प्रियम्बल आपको बहुत अच्छे से डिस्कस हो गया होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 104, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके। थोड़ा सा लंबा था ये टॉपिक, ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो अपना, ठीक है, जल्दी से बताओ समझ आ गया, ठीक है, यदि कहीं कोई डाउट प्रियम्बल में और आपके इसमें रहा है। ललिता जी जल्दी से बताओ, ठीक है, वैसे भी आप लोगों का टाइम हो गया है, चले तो ही नहीं गए। समझ आ गया है, समझ आ गया है तो थैंक यू सो मच। और यदि आप में किसी ने भी हमारा ये सेशन लेना हो या हमारा ये, यस मैम थैंक यू, ओके ओके थैंक यू सो मच आप सभी का भी, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप जो है वो कल अपनी क्लास का टाइमिंग जो है वो टाइम से आ जाइएगा, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन कल जो है आपकी प्रॉपर 8 PM पर जो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि 8:09 हो गए। चलो थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हो जल्दी से अपने पेपर 1 की क्लास जो है वो अटेंड करो। चलो मोहम्मद जी क्या हो गया, चुप्पी हो गए आप, ठीक है, ओके थैंक यू।